बेसिकली बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईपी एड्रेस का डिस्कशन किया था, उसमें क्लास को रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? क्लासलेस आईपी एड्रेस। सबसे पहली बात तो ये यूज क्यों करते हैं, क्लासफुल और क्लासलेस में क्यों आखिर क्लासफुल और क्लासलेस लाया गया, क्यों लाया गया, इसका तो रीजन होगा। सेकेंड चीज ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, जब हम क्लासफुल की बात करते हैं तो वहां पे क्लास ए क्लास बी क्लास सी हम समझते हैं, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि कितना नेटवर्क आईडी है, कितने बिट नेटवर्क आईडी के लिए होता है और कितने बिट पोस्ट आईडी के लिए, हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बट जब क्लासलेस की बात करते हैं वहां तो क्लास भी नहीं होता है, फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो कैसा आईपी एड्रेस और किस क्लास से बिलोंग करता है, तो वहां पे हम देखने वाले। तो बेसिकली पहली बात ये मुझे बताओ आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, चलो पीछे से तीनों आओ। निशा में था, इधर आओ। सच्ची में कोई याद नहीं सर, एक मिनट सर, क्योंकि एक मिनट ज्यादा बोलते हो सर। हाँ यार ना तुमको पता नहीं है तुम अब्सेंट थे, मुझे पता है तुम अब्सेंट थे, उसे पता है सैटरडे सर।
अरे तुम लोग बैठो ना अभी। आप बताइए रेंज क्या होता है क्लास का? सर रेंज सर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का रेंज सर 250 नेटवर्क आईडी हो जाएगा सर 250 से। ये रेंज होता है सबसे पहले मान लो ये हमारे पास आईपी एड्रेस पूरा का पूरा आईपी एड्रेस सपोज करते हैं कितना है 32 बिट का होता है कितने पॉसिबल है आईपी एड्रेस पॉसिबल यस सर मैंने क्या बताया था सबसे पहले मान लो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा 32 बिट आईपी एड्रेस में कितने पॉसिबल आईपी एड्रेसेस का ये पूरा बंच है इसको पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्स्ट बिट के हिसाब से तो एक का फर्स्ट बिट क्या हो सकता है और इसका फर्स्ट बिट क्या होगा वन होगा इस हाफ का जीरो बाकी बचा आपका वन वही जो मैंने बताया था डायग्राम सिंगलर डायग्राम है यहाँ पे अब यहाँ देखो ये जो जीरो है और ये वन है ना फर्दर इसको हम क्योंकि मैंने बताया था ना जब आईपी एड्रेस जीरो से स्टार्ट होगा तो उसको कौन सा क्लास कहते हैं क्लास ए बोला था मैंने ये भी हमारा क्या होगा क्लास वही सुन फिर हमने क्या किया था नेक्स्ट वाले में और इसको फिर हम ब्रेक करेंगे हाफ में तो क्या वन से है इसको मैं क्या बोलूंगा वन जीरो और इसको वन कह सकता हूं ऐसे कि ये वन है ना अब इसको हाफ में हम डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट बिट के बारे में सोचेंगे ना कि या तो वो जीरो होगा या वन होगा तो मान लो ये जीरो है फिर हाफ हम डिवाइड किया कौन सा होगा ये आपका इसको फिर से हाफ पे डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा तो कैसे डिवाइड करने पे इसका एड्रेस क्या होगा जीरो और वन होगा इसका यदि 110 फिर से इसको हाफ पे ये कौन सा क्लास होगा फिर से डिवाइड करते हैं ये 110 है तो ये क्या होगा 1 1 1 1 ये आपका क्लास हो गया और ये क्लास कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं पूरे आईपी एड्रेस को डिवाइड करते हैं ये है अब ब्रॉड से देखो सर ये तो हम आईपी एड्रेस को दो तरीके से मल्टीपल वे से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली में ये क्या है 32 बिट का एड्रेस होता है कितनी बिट का होता है 32 बिट का एड्रेस होता है तो अब यहाँ पे देखो 32 बिट का यदि एड्रेस है तो एक तो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको 8 बिट के ऑक्टेट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यस और नो तो फर्स्ट 8 बिट सेकंड 8 बिट
थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट वन ऑक्टेट टू ऑक्टेट थ्री ऑक्टेट ये सब ये आईपी होगा। लेकिन मैंने बोला था कि यदि वो 01 के फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में तो उसको याद रखना क्या पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। उसी आईपी एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं डॉटेड डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं डॉटेड डेसिमल रोटेशन में हम लोग क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों किस फॉर्म में करते हैं? यस मिस्टर किस फॉर्म में करते हैं? This is represented in dotted decimal notation. Dotted decimal notation method. समझ में आया? अब यहाँ पे देखो डॉटेड डेसिमल यूज करते हैं हम लोग तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो आप बाइनरी में या फिर डॉटेड डेसिमल में क्यों यूज करते हैं इसको ताकि ये याद रखना हमारे लिए पॉसिबल ये इम्पॉसिबल कितना आप याद कर सकते जीरो वन जीरो वन कैसे याद एक टेन डिजिट का तो फोन नंबर आजकल लोग याद नहीं कर सकते मोबाइल नंबर याद नहीं कर सकते बट वहां पे यदि 32 बिट का मैं 01 के फॉर्म में तो कैसे पॉसिबल होगा पॉसिबल है क्या? तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन। जहां करते क्या है देखो कुछ भी यहाँ पे एलिमेंट होगा ना 01 के फॉर्म में डेटा होगा तो फर्स्ट ऑक्टेट में जो भी 01 के फॉर्म में होगा उसके करेस्पॉन्डिंग हम क्या निकालते हैं डेसिमल वैल्यू उसको लिखते हैं फिर डॉट सेकेंड का जो करेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू होगा उसको निकालते हैं फिर डॉट और थर्ड का जो फिर डेसिमल वैल्यू होगा उसको निकालते हैं और फिर डॉट और फिर फोर्थ का लिखते हैं इसको कहते हैं डॉटेड डेसिमल। सो बेसिकली रेंज की बात की मैंने तो यहाँ पे रेंज क्या होता है आपको मैंने बताया था क्लास ए का रेंज क्या होता है 0 टू 137 क्लास बी सब याद रखना है क्लास सी और फिर क्लास ए का रेंज मैंने बताया था कि यदि देखो यही डॉटेड डेसिमल की बात करते हैं एक तो आप ऐसे बता सकते हो जीरो से स्टार्टिंग से पहचानने के लिए लेकिन यदि वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में है ना तो कैसे पहचानेंगे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं रेंज यूज करते हैं। कोई दिक्कत जैसे मान लो कोई आईपी एड्रेस आपको ऐसा मिला 0.168.10.1 ये क्या है आईपी एड्रेस है इसे वो कहते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन क्या बोलते हैं निकालना 192 का निकालना 192
ये कितना है बच्चों, कितना है? आपका तो यहाँ पे गौर से देखो, टू से डिवाइड करना है। यदि मान लो ऑक्टन में कन्वर्ट करना हो तो एट से डिवाइड करना है। यदि हेक्साडेसिमल में करना हो तो 16 सेकंड। बट अभी हमें किससे करना, बाइनरी में करना है तो किससे करेंगे? अब देखो यहाँ डिवाइड करने पे कितना मिलेगा, रिमाइंडर कितना आएगा? जब हमने डिवाइड किया तो कितना 96 आया, और रिमाइंडर कितना? फिर से डिवाइड करेंगे 48, रिमाइंडर जीरो। ऐसा डिवीजन पहले कभी देखा? यस सर, याद आ गया। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखो 24, इसको याद आ रहा है, कंप्यूटर ने कंप्यूटर ही तो पढ़ा रहा हूं। नहीं सर, ये कोई मैथ्स में पढ़े हैं हमारे मैथ्स में। चलो देखो यार कितना होगा, 24 फिर 2 से डिवाइड करो, 12 क्या अभी डिवाइड हो सकता है? किसी को भी ऐसा लगता है कि आप डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर एडजस्ट कर सकते हैं? को लगता है ऐसा? कैसे लिखते हैं इसको? बॉटम टू टॉप यूज करते हैं। 1100, इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे आप बताओ? 1100 ये होगा ना? यस सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7
2 का कितना होगा, हमें पता है 10 होता है, लेकिन हमें किस फॉर्म में लिखना है, 8 बिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 और फिर 1, ये इससे करस्पॉन्डिंग हो गया। यस कमिंग, इससे करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 10 का हमें पता है क्या होता है, 1010 होता है, क्या होता है 1010, और कितने जीरो लगा हुआ, ये इसका हो गया, 10 का हो गया, इसका निकाल के लिखा हूं सब लोग फाइट करोगे, मैं पूछूंगा सब Thank you.
इसका बेसिकली देखो कितना है इसका 21 है लास्ट क्लास ठीक 21 नहीं आया था 168 का फाइंड करना 21 कैसे आ जाएगा जब भी आएगा हां सब देख के ना फाइंड किया आपने ठीक है आप लोग वेरीफाई कीजिए 110 सही है सबका देखो बेसिकली अब नॉर्मली हमारा आईपी एड्रेस इस फॉर्म में होता है ये हमारा आईपी एड्रेस तो बट बताओ किसी को याद करने के लिए मैं दे दूं क्या पॉसिबल है याद करना पॉसिबल है क्या तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं इसके करस्पोंडिंग एक्चुअली में आईपी एड्रेस ऐसा ही होता है बट उसको ऐसे याद रखना क्या पॉसिबल नहीं है तो उसके करस्पोंडिंग हम लोग क्या यूज करते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन यूज करते हैं ठीक है डॉटेड डेसिमल नोटेशन यूज करते हैं और कैसे तो इस 8 बिट के करस्पोंडिंग जो होगा उसका वैल्यू लिखते हैं कैसे निकालेंगे वैल्यू वापस इसको ये बताओ मुझे अभी तो हमने देखा कि डेसिमल टू बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल कैसे निकालेंगे इससे हमें इस फॉर्म में निकालना होगा बहुत आसान है इसके लिए बात करते हैं क्या लिखोगे यहाँ पे 1 तो इसके लिए छोड़ो मैं इसके लिए बताता हूँ ठीक है कैसे निकालेंगे सबसे पहले 1 है तो 1 into 2 अब इस 1 के राइट में कितना है देखो बिट 7 बिट है 7 + 0 0 into 2 इस 0 के राइट में कितना है 1 2 3 4 5 6 सिमिलरली इस 1 के लिए बताओ 5 फिर क्या होगा इस 0 के लिए इस 0 के लिए बाकी कुछ भी लिखो तो बात सेम ही आ रहा 3 + 0 into 2 raised to power 2 + 0 into 1 + 0 into 1 जहां पे 1 था 1 से मल्टीप्लाई किया जहां 0 था 0 से बट याद रखना पोजीशन वैल्यू होता है उस जिसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं ना उसके राइट में देखना हमें कितना इस 1 के लिए राइट में कितना 1 7 बिट तो पावर 7 लिखा इस 0 के लिए देखो 0 into 2 पावर कितना होगा इस 0 के राइट में कितना है इसी तरह से यहां पे सबका लिखेंगे फाइंड करो अब देखो जहां पे 0 हो तो 0 ही हो जाए यस और नो ऐसा हमेशा नहीं होगा जहां पे 0 होगा वहां पे 0 होगा सो बेसिकली देखो ये आपका हो जाएगा 128 ये इसका वैल्यू कितना आएगा 128 प्लस ये तो 0 हो गया इसका कितना आएगा 32 इसका कितना आएगा देखो आएगा जीरो हो जाएगा ये भी जीरो आई थिंक 1 2 एक और 1 कहीं होना चाहिए ना यहाँ 1 होना चाहिए यस और नो देखो सो क्योंकि इस 1 के लिए भी निकालना है ना यहाँ पे क्या होगा बाकी सारा 0 होगा फाइंड करो कितना है 168 है देखो यस सर सो जब ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 168 तो आई थिंक कन्वर्जन पता चल गया होगा आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल सो बेसिकली दिस इज आवर आईपी एड्रेस बट दिस इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर सो वी यूज डॉटेड डेसिमल नोटेशन तो क्या होता है हर एक ऑक्टेट जो हमने बताया था हर एक बिट के करेस्पॉन्डिंग जो डेसिमल होगा यहाँ लिखेंगे डॉट सेकेंड बिट के सेकेंड के लिए वैल्यू थर्ड के लिए वैल्यू और फोर्थ के लिए इसको कहते हैं डॉटेड डेसिमल सो आईपी एड्रेस कुछ हमारा ऐसा होता है क्लियर है अब देखो रेंज की बात करते हैं तो बताओ रेंज क्या होगा क्लास से क्लास थ्री क्लास सी का क्या होगा रेंज मैंने बताया था पिछली क्लास क्लास बी क्लास सी क्लास डी सो बेसिकली देखोगे कौन से तो क्या मिलेगा आपको यदि देखो यहाँ यहाँ किसके बेस पे हम इसके बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं डेसिमल केवल इसके बेस पे यहाँ जो वैल्यू है ना उसके बेस पे बाकी कुछ भी उससे मतलब नहीं है हम इसके बेस पे अब मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या दिया हुआ 0 से लेके 127 दिया हुआ किस जगह पे इस पहले वाले पे वो कौन सा होगा यहाँ पे यदि दिया हुआ आपको 128 से लेके 191 192 से लेके
23 ये आपका क्लास सी हो जाएगा, 24 से लेके 239, 240 to 255, 240 to 255. तो ये इसका रेंज होता है, क्लियर है? यदि आपको डेसिमल फॉर्म में दिया कैसे पहचानोगे कौन से क्लास से बिलोंग करता है? फर्स्ट वाले वैल्यू ये किससे बिलोंग करता है? क्लास सी। क्या समझ में आया? पक्का? कोशिश करो, कोशिश करो। कैसे रेंज निकालते हैं वो भी बताओ। बेसिकली ये मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया था क्लास ए का? मैंने आपको बताया था कि क्लास ए का स्टडी क्या होता है, जीरो, ठीक है? और आपको मैंने ये भी बताया था, याद होगा, कि जो भी हम क्लासिफिकेशन करते पहले बिट के साथ, पहले वाले ऑकेट के साथ, तो तुम मुझे ये बताओ क्लास ए की बात मैं कर रहा हूँ, यदि ए बिट होगा 1 2 3 4 5, क्या विजिबल है आपको या यहाँ पे बता? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी उससे मतलब नहीं है। अब देखो क्लास ए के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट बिट क्या होता है? जीरो फिक्स होता है, ठीक है? अब मुझे बताओ कितने रिमेनिंग बिट बचे? 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम हम क्या पुट कर सकते हैं? जीरो। सबको जीरो से फिल कर सकते हैं, मिनिमम क्या कर सकते हैं? सबको जीरो से मैं फिल कर सकते हैं। ओवरऑल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? जीरो ही होगा ना। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। विजिबल है सबको? नेक्स्ट देखो, ये तो जीरो ही रहेगा आपका, बाकी सेवन बिट को मैक्सिमम क्या फिल कर सकते हैं? क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, बाकी सेवन बिट बचा ना, उस सेवन को मैक्सिमम क्या फिल कर सकते हैं? सबको वन कर दें तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो आप वन वन पुट करके देखो। अब इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा? 127। गौर से देखो मैंने क्या बताया, क्लास बी का क्या होगा? चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? 10 फिक्स होगा यहाँ पे, बाकी को फिल करना है, मिनिमम क्या फिल कर सकते हैं? सारे को जीरो कर सकते हैं। देखो इसके बीच में और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बट मैं मिनिमम रेंज की बात कर रहा हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग चाहिए ना। तो देखो क्या होगा, सबको जीरो और क्या होगा, मान लो ये फिक्स है तो मैक्सिमम क्या फिल कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इसका ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा? 128 आएगा, और इसका फाइंड करो ना, 191 आएगा। क्या आएगा? 191। तो ये इसका रेंज होता है, समझ में आई बात? कोई डाउट? सर 91 नहीं लिखा मैंने, 91 कोई सो फाइंड कर लोगे। अब इसमें देखो क्लासिक का क्या होता है आइडेंटिफिकेशन? 110, तीन तो फिक्स है, तीन बिट में कोई चेंज कर सकते हो नहीं, बाकी कितने बिट बचे? 5 प्लेस बचे ना, उस पे 0 पुट करोगे तो उससे करेस्पॉन्डिंग जो ओवरऑल वैल्यू आएगा मेरे निकल जाएगा सर। अब चलो ये सब समझ में आ गया, तो हम क्लास लिस्ट पे चलते हैं। चलो उस पे प्रॉब्लम क्या मैं बता देता हूं, मेन प्रॉब्लम क्या है इस क्लास को, क्लासफुल का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं क्लास ए क्लास बी क्लास, तो मुझे ये बताओ
मैंने आपको ये भी बताया था ना कि क्लास ए का जो नेटवर्क आईडी कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, और होस्ट आईडी कितने बिट का होता है? मैंने बोला था आपको याद होगा कि नेटवर्क आईडी 8 बिट, यानी फर्स्ट बिट नेटवर्क आईडी होता है, बाकी सारा होस्ट आईडी होता है। इसमें मैंने क्या बोला था, नेटवर्क आईडी 16 और होस्ट आईडी 16। नेक्स्ट देखो, इसमें मैंने क्या बताया था, 24 और इसमें क्या होगा 8। बाकी पे बात नहीं करना है, सीएससी से बिलोंग करता है, बट ये रिजर्व है, ये होता है मल्टीकास्ट के लिए, और ये होता है आपका रिजर्व फ्यूचर यूज के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए होता है। तो हमारे काम के लिए ए बी सी है। आप बताओ मुझे, एक बिट का मतलब क्या है, क्लास ए टाइप पर कितना नेटवर्क पॉसिबल है, बताओ कितने नेटवर्क पॉसिबल है क्लास ए टाइप, 8 है यहाँ पे, 2 रेज़ टू पावर 8 करो कितना आएगा, 256। मतलब क्लास ए टाइप का नेटवर्क आपको चाहिए ना, कितने पॉसिबल है, 256। ये तो कितना कम कम काउंट है ना नेटवर्क का, 256 नेटवर्क। लेकिन हमें नेटवर्क पे नहीं जाना, उस नेटवर्क में हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे, कितने डिवाइस होंगे, ये कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ होस्ट आईडी, यानी हर एक नेटवर्क में कितने नेटवर्क पॉसिबल है, 256। उसमें से यदि मैं बात करूं हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट मतलब डिवाइस हो सकते हैं, वो क्या बताएगा, होस्ट आईडी। यानी मान लो ये आपका नेटवर्क आईडी है, सपोज क्लास ए के केस में, तो ये सारे कितने बचे, ये सारे आपको होस्ट आईडी का, यहां पे जो भी वैल्यू होगा वो एक एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, एक एक डिवाइस को। अब समझो मैं 24 बिट है, 2 रेज़ टू पावर 24 का मतलब कितना होगा, 4 इनटू 2 रेज़ टू पावर 20 अप्रॉक्स देखेंगे तो 16 मिलियन अप्रॉक्स ए होगा ना। मतलब ये यदि मैं क्लास के टाइप का कोई भी नेटवर्क परचेस करूंगा या आप लोग परचेस करोगे, तो हर एक नेटवर्क में कितने डिवाइस हो सकते कनेक्ट, बहुत बड़ा वैल्यू है। अब मान लो किसी को मिनिमम 10 मिलियन ही चाहिए, तो भी उसे क्या परचेस करना होगा, क्लास ए, क्योंकि क्लास ए में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे गौर से देखो, 2 रेज़ टू पावर 16 का मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर 6, 64 क्या आएगा, क्या आएगा 64 के, मतलब क्लास बी में देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क कितने पॉसिबल है, 64 के, और हर एक नेटवर्क में जो कितने ये होस्ट हो सकते हैं वो भी 64 के, वो भी क्या होगा, ये बताओ किसी को 10 मिलियन चाहिए तो इसमें पॉसिबल है क्या, नहीं दे सकते, उसे यही परचेस करना हो। लेकिन ये बताओ परचेस, वो 10 मिलियन चाहिए उसे, लेकिन वो क्या परचेस करेगा, ये लेकिन मजबूरी है ना, किसी एक को नेटवर्क दे दिया दूसरे को वो दे नहीं सकते, तो कितना हमारा बेकार जाएगा, 6 मिलियन बेकार जाएगा ना स्पेस। वैसे ही मैं बात करूं इस केस में, इसी पर 50 के ही चाहिए तो उसको मजबूरी में हमें क्या देना होगा, क्लास की देना होगा, लेकिन कितना बेकार जाएगा, 14 के लगभग बेकार जाएगा, 50 के देता हूँ। वैसे ही मान लो इसमें क्लास की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कितने नेटवर्क पॉसिबल है, 2 रेज़ टू पावर 24 नेटवर्क अप्रॉक्स कितना आएगा, देखो 16 मिलियन नेटवर्क, यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क बड़ी बहुत ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन हर एक नेटवर्क में डिवाइस कितना होगा, 2 रेज़ टू पावर 8 है, 256 क्या होगा, 256। मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन सब नेटवर्क का साइज क्या छोटा है, कितना है, मतलब यहाँ जो नेटवर्क है उसमें नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा है, लेकिन हर एक नेटवर्क में जो डिवाइस क्या है मिनिमम होंगे, कितने, अब किसी को 100 डिवाइस कनेक्ट करना है तो भी वो क्या परचेस करेगा, क्लास सी टाइप का ही कोई नेटवर्क परचेस करता है, तो वेस्टिंग में ज्यादा है ना, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, यस सर, तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम फाइंड करें जिसके हम से क्लासिफिकेशन ना करना, और जिसको जितना चाहिए उतना मैं दे सकता हूँ, वेस्टेज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए फिर क्या करते हैं, क्लासलेस आईडीएस, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे पास आईपीएलएस पॉसिबल कितना है, 2 रेज़ टू पावर 32। अब होगा क्या, इसमें कुछ भी हम क्लासिफिकेशन नहीं करते,
मान लो फर्स्ट पर्सन आएगा और उसने बोला मुझे इतना नेटवर्क चाहिए, हम उसके हिसाब से उसको और बाकी हाफ पे जो करना है यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है, कम फ्रेंड आएंगे ज्यादा खा लेंगे, और घर में मान लो मेंबर ज्यादा है और हमने पहले स्पेस पर इतना ही केक में डिवाइड कर कम मिलेगा, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अब फ्रेंड कम आए और प्रेशर हो सकता है, बट ऐसा करते हैं केक रखा होगा आपको चाहिए आप आओ जितना चाहिए कट कर दो, नेक्स्ट को बुलाएंगे जितना चाहिए कट कर दो, इससे क्या होगा प्रेशर नहीं होगा, जिसको सबसे ज्यादा चाहिए वो एक्सेप्शन ध्यान से चलते हैं, वो एक्सेप्शन हम मान के चलते कभी खत्म होने वाला केक नहीं है, तो हम मान के चलते इतना बड़ा केक सब खा ही ना सके उस केस में बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जैसे जैसे आएंगे वैसे एलोकेट करते जाएंगे, किसी को कम चाहिए किसी को ज्यादा चाहिए किसी भी ज्यादा चाहिए लेके जाएंगे, यहाँ पे रेशियो नहीं होगा ना, जितना आपको चाहिए उतना ही मैं कट करके यहाँ से लूंगा, दैट इज कॉल्ड क्लासलेस आइडिया, दैट इज कॉल्ड क्लासलेस आइडिया, इसमें रेशियो को कम करना प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस सारे को हम क्या कहते हैं ये ब्लॉक ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री और इस तरह से ब्लॉक ये रिप्रेजेंटेशन कराता है आपका क्लास फोर का, जहाँ पे आप देख के बता सकते हो किस क्लास से बिलोंग करता है, और आप ये भी फाइंड कर सकते हो कितने उसका डिवाइस हो, क्योंकि आप क्लास से क्लास फाइंड कर लिए तो पता सकते हो किसका डिवाइस हो। अब यहाँ पे देखो एक स्लैश एन होता है, यहाँ पे क्लास फोर का होगा सॉरी क्लास लिस्ट का होगा, क्या करते हैं आईपी एड्रेस के साथ साथ हम क्या देते हैं एन वैल्यू स्लैश एन, ये रिप्रेजेंटेशन किसका होता है क्लास लिस्ट का होता है, जैसे वहां पे क्लास के साथ नेटवर्क आईडी हुआ करता था यहाँ पे उसको कहते हैं ब्लॉक आईडी, सो बेसिकली किस ब्लॉक से ये बिलोंग करता है कैसे पता करेंगे, उसी के लिए यहाँ पे n दिया होगा, n मतलब नंबर ऑफ बिट, मतलब स्टार्टिंग से कितना बिट हमारे ब्लॉक आईडी के लिए है वो बताता है n, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 या 27 सपोज, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगुलर है ना, देखो जहां से 27 कहाँ आएगा 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 कहां तक आएगा, ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया ब्लॉक आईडी 27 है ना, इतने स्टार्टिंग से लेके 27 बिट तक क्या होगा हमारा जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करता है उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है जहां से ये बिलोंग करता है, ठीक है, और साथ में कितना बचा देखो 1 2 3, अब यही तो हमारे यूज के लिए है डिवाइसेस के लिए, मतलब 27 तो 32 माइनस 27 कितना 5, फिटनेस इसी 5 में तो हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, सारे के सारे जीरो कर सकते हैं या सबको 1, इसका रेंज क्या होगा बताओ 2^4 मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा क्योंकि ये ब्लॉक आईडी है, अब 5 मतलब जिस ब्लॉक से ये डिपेंड करता है कौन ये आईपी एड्रेस बिलोंग करता है बेसिकली, उस ब्लॉक में कितने डिवाइस होंगे कितने नेटवर्क होंगे कितने होस्ट होंगे बताओ 32, सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट क्लासलेस आईडीएस, यदि आपको बड़ा चाहिए तो आप ऐसा लिखो 20 पीस क्या होगा कि स्टार्टिंग से 20 बिट जो हमारा क्या है ब्लॉक आईडी रिप्रेजेंट करता है जिस ब्लॉक से ये बिलोंग करता है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि ये बताओ इस आईपी एड्रेस में कितने होस्ट होंगे तो कैसे निकालोगे आप, बहुत आसान है 20 है बचा वही ना रिमेनिंग होस्ट के लिए यूज होगा, कौन सा होगा कितना बचा
मतलब जिस आईपी एड्रेस जिस जिस ब्लॉक से ये बिलोंग करता है वहां पे स्टार्टिंग से 20 बिट किसका आईडी है, ब्लॉक आईडी है, बाकी कितना बचा 12 बिट बचा, और इट मींस दैट कि उस ब्लॉक में वो जो कट किया गया ब्लॉक उसमें कितने डिवाइस होंगे, होश कितने हैं 4 के। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ होश इन द क्लास डिफाइन। कोई दिक्कत? तो ये रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग जो आप लोग को इतना ही पढ़ना है, ज्यादा इस पर डिटेल पे नहीं जाना, ये सीएस का चीज है, लेकिन चूंकि इंट्रोडक्शन पार्ट था ये आप लोग ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज है, इस प्रोटेशन को हम कहते हैं सी आई डी आर, इस प्रोटेशन को क्या कहते हैं हम लोग, क्लास इंटर डोमेन राउटिंग, क्लास इंटर डोमेन राउटिंग रिप्रेजेंटेशन। नोट डाउन कर लीजिए आपको, this representation is called CIDR notation, क्या बोलते हैं CIDR notation, बस selection लगा, it means starting से जो 20 bit है वो उस block को represent करता है जहां से ये IP address belong करता है, so वो block का ID हो गया, further बाकी कितना बचा, हाँ class inter domain routing, R O U T I N G routing।